हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पेस्ट्री केक, इसे हम बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे, तो इसे आप कभी भी बना सकते हैं। इसे बनाना इतना आसान है कि इसे बच्चे भी बना सकते हैं, और ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो आपका जब भी मन करे कि पेस्ट्री खानी है, तो आप कभी भी इसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इस केक को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये ब्रेड लिए हैं और ये ओरियो के बिस्किट लिए हैं। तो हम इसे सिर्फ ब्रेड और ओरियो के बिस्किट से ही बनाएंगे। तो मैंने ये सभी बिस्किट निकाल लिए हैं। तो ये मेरे 20 बिस्किट हैं। तो इस बिस्किट में से हम क्रीम निकालकर अलग कर देंगे। तो देखिए ये इसकी क्रीम कितनी आसानी से निकल जाती है, इसे निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बहुत ही आसान तरीके से निकल जाती है। तो इसे हम अलग कर लेंगे। तो देखिए बिस्किट हमने अलग निकाल दिए हैं और क्रीम अलग रख दी है, तो इन्हें हम तोड़ लेंगे। सभी बिस्किट को हम तोड़ लेंगे और इसे मिक्सी जार में डालकर इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है, देखिए इसका एक बहुत ही बढ़िया फाइन पाउडर बना लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने ये रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है, ना ही ये ज़्यादा ठंडा है और ना ही ये गर्म है। तो हम इससे इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट रेडी है, तो अब हम इसकी क्रीम बना लेंगे। तो ये जो बिस्किट से हमने क्रीम अलग की थी, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें सिर्फ एक चम्मच हम दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी क्रीम एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। मैंने 2 चम्मच चीनी ली है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, इसे घोलकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ये कोन बनाकर तैयार कर लिया है। किसी भी साफ पॉलीथिन से आप घर पर कोन बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो मैंने इसे घर पर ही बना लिया है। और इसमें मैंने क्रीम डालकर ऊपर से रबड़ लगाकर सेट करके रख दिया है, इससे हम केक पर डिजाइन बनाएंगे। मैंने एक प्लेट ली है, इस पर थोड़ा सा हम पेस्ट रखेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक ब्रेड लगा दिया है, हम ब्रेड के किनारों को काट देंगे। हमें ब्रेड का सिर्फ व्हाइट वाला पोर्शन लेना है। तो सभी ब्रेड के किनारे काटकर हमने तैयार कर लिए हैं। मैंने प्लेट पर एक ब्रेड सेट कर लिया है, तो इसके ऊपर हम चीनी का घोल है जो, उसे लगाएंगे। इसके ऊपर से ये ओरियो बिस्किट का जो पेस्ट तैयार किया है, इसे लगाएंगे। तो इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे। ये अच्छे से सेट हो गया है, तो एक ब्रेड फिर से लगाएंगे और इस पर हम चीनी का घोल फिर से लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा और इससे थोड़ा सा मिठास भी बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने फिर से ये पेस्ट लगा दिया है, फिर से ब्रेड लगाएंगे और इसके ऊपर फिर से ये घोल डालेंगे। इस घोल को ब्रेड पर अच्छे से लगाएंगे, जिससे हमारे ब्रेड सॉफ्ट हो जाएंगे। तो पेस्ट लगा लेंगे हम, अच्छे से सेट करेंगे इसे। तो इसके ऊपर मैं फिर से एक ब्रेड लगाऊंगी, मीठा पानी हम इस पर लगाएंगे। इसे हम अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारे ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसके ऊपर से ये पेस्ट फिर से लगाएंगे और इसे एकदम अच्छे से सेट करेंगे। आप चाहें तो इसे 5 ब्रेड से बना सकते हैं, मैंने इसे 4 ब्रेड से ही बनाया है।
अब मैं इसके किनारों को अच्छे से ढक दूंगी। इसके सभी किनारों को मैंने अच्छे से ढक दिया है, तो अब हम इसे अच्छे से सेट करेंगे। ये ऊपर से अच्छा सा दिखने लगे, ये चिकना हो जाए, तो उसके लिए मैंने इसी पेस्ट में 1 चम्मच दूध और मिलाया है और इसे थोड़ा सा पतला किया है और इसे अच्छे से ऊपर से सेट कर दिया है। तो देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस पर डिजाइन बनाएंगे। तो मैं ये इस पर डिजाइन बना रही हूँ। डिजाइन आप अपनी चॉइस के अनुसार जैसी भी आपको पसंद हो आप उसी तरह से बना सकते हैं। तो आप इतनी भी छोड़ सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन मेरे पास क्रीम एक्स्ट्रा है तो मैं इस पर और भी डिजाइन बना दूंगी। और इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा सामान लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने ब्रेड और ओरियो बिस्किट से ही इसे इतना सुंदर बनाया है। ये बनाने में बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आपका जब भी मन करे कि आपको कुछ मीठा खाना है तो आप इसे बनाकर देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप एक बार ट्राई जरूर करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अब इसे आपको काट कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, एकदम बढ़िया सा पेस्ट्री केक तैयार हो गया है। एक बार इसे ट्राई जरूर करें और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।